नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। भाई, बॉलीवुड इंडस्ट्री जितनी दूर से चमकती हुई दिखाई देती है, यकीन मानिएगा उतनी चमक धमक अगर आप वहां जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। एक कहावत है, शुरुआत करेंगे हम प्रोग्राम से पहले उसे कह के, कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यकीन मानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी कुछ ऐसा ही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने कई बारी जो है मी टू सुना होगा, कई बारी जो है तमाम एलिगेशंस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर पे लगाए जाते हैं, तमाम चीजें कही जाती हैं। मगर ये दौर जो है वो आज का नहीं है, ये काफी पुराना दौर चलता आ रहा है। अराउंड 60s, 70s, 80s से ये जो दौर है जो वो देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में माधुरी दीक्षित का एक इंटरव्यू सामने आ रहा है। माधुरी दीक्षित धक धक गर्ल कही जाती है इस इंडस्ट्री की। खूबसूरती तो है ही लाजवाब, और एक्टिंग और डांस के लिए भी उन्हें जाना जाता है। अब ऐसे में माधुरी दीक्षित ने बताया कि आखिरकार कैसे उन्होंने एक फिल्म के डायरेक्टर को सीधा ना कहा था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा उनसे करने को कह दिया था जो उनके लिए बहुत गलत था। हालांकि माधुरी दीक्षित का ये शुरुआती दौर था, क्योंकि तब जो है माधुरी दीक्षित से उन्होंने कपड़े उतारने की डिमांड की थी, काफ़ी सारी चीज़ें कही गई थी, जिसके चलते माधुरी ने इंटरव्यू में साफ तौर पर जिक्र भी किया है कि आखिरकार उनके साथ जो है डायरेक्टर ने ये सब चीज़ें करने को कहा था तो उन्होंने साफ जो है मना कर दिया था। हालांकि कौन था वो डायरेक्टर, क्या था पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से हम बताएंगे। आपको बता दें कि भाई माधुरी जो है काफी लंबे समय से बड़े पर्दे पर नहीं दिखाई दे रही हैं। वो OTT प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी सीरीज के जरिए उनको देखा जा रहा है। मगर एक वक्त ऐसा था कि जब बॉलीवुड में उनके साथ कुछ ऐसी हरकत हुई थी। क्या है पूरा मामला, देखिए आप हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री की धक धक गर्ल कही जाने वाली माधुरी इन दिनों खूब सुर्खियों में है। आपको बता दें कि दरअसल माधुरी दीक्षित का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जहां पर माधुरी किसी डायरेक्टर को लेकर, उन्हें फोर्स करने को लेकर तमाम खुलासे कर रही हैं। चलिए आपको बताते हैं। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की दुनिया दीवानी है। एक्ट्रेस की एक्टिंग से लेकर उनकी अदाएं और खूबसूरती फैंस को घायल करती हैं। माधुरी अपनी फिल्मी करियर में 70 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने हमेशा अपने ग्रेस, कॉमेडियन और खूबसूरती पैच उन्होंने हमेशा अपनी ग्रेस, कॉन्फिडेंस और खूबसूरती से फैंस को अपना मुरीद बनाया है। अब एक्टर डायरेक्टर टीनू आनंद ने माधुरी को लेकर एक काफी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि भाई एक्ट्रेस ने एक बार बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। रेडियो नशा संग नए इंटरव्यू में टीनू आनंद ने बताया कि उन्होंने साल 1989 में अमिताभ बच्चन और माधुरी को शनाकंद फिल्म में साइन किया था। इस फिल्म में पहली बार दोनों स्टार एक साथ नजर आने वाले थे, लेकिन शूटिंग के पहले दिन ही डायरेक्टर की माधुरी संग बहस हो गई, क्योंकि एक्ट्रेस ने ब्रा में सीन देने से इनकार कर दिया था। टीनू आनंद बोले, मैंने पूरा सीन माधुरी को नरेट किया। मैंने उनसे कहा कि उन्हें अपना ब्लाउज उतारना होगा, क्योंकि सीन ब्रा में दिखाई देना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि मैं घास के ढेर या किसी भी चीज के पीछे कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि आप उस आदमी की मदद करने के लिए खुद को पेश कर रहे हैं जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है और मैं इसे पहले दिन ही शूट करना चाहता हूँ। वो आगे बताते हैं कि भाई माधुरी ने कहा ओके। टीनू आनंद ने कहा कि सीन के लिए हाँ कहने के बाद भी माधुरी एक घंटे तक मेकअप रूम से बाहर नहीं निकली। जब उन्हें लेने गए तो एक्ट्रेस ने कहा, मैं ये सीन नहीं करना चाहती हूँ।
टीनू ने उनसे कहा कि उन्हें ये सीन करना होगा, लेकिन माधुरी नहीं मानी। और फिर डायरेक्टर ने एक्ट्रेस से उनके बैग पैक करके वहां से जाने को कह दिया। हालांकि माधुरी बाद में इस सीन को करने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन फिर 5 दिनों तक फिल्म की शूटिंग होने के बाद मूवी ठंडे बस्ते में चली गई। हैरानी की बात तो ये है कि माधुरी ने भी इस बारे में कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं। माधुरी के वर्क प्रिंट की बात करें तो आखिरी बार उन्हें वेब सीरीज द फेम गेम में देखा गया था। अब ऐसे में माधुरी दीक्षित को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही हैं। एक ऐसी मूवी भी रही जहां पर अमिताभ के साथ उन्हें काम करना था, मगर माधुरी से वो हो ना पाया और माधुरी ने पहले तो हाँ कर दी, मगर उसके बाद ना जाने माधुरी के मन में भी क्या चीजें आने लगी जो उन्होंने मना कर दिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अब यकीनन ही इस डायरेक्टर का यू माधुरी को लेकर खुलासा करना हर किसी को हैरान भी कर रहा है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से माधुरी को जो है दुनिया से दूर देखा जा रहा है, यानी कि बड़े पर्दे की दुनिया से उन्हें दूर देखा जा रहा है। माधुरी जो है कहीं ना कहीं आपको बता दें कि भाई OTT प्लेटफॉर्म पर जहां पर उनकी एक सीरीज आई तो फैंस उनसे और सीरीज की डिमांड करने लगे, मगर माधुरी जो है अब एकदम मानो गायब सी हो गई। माधुरी अमेरिका से वापस नैनी के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में लौटी थी, यानी कि मुंबई आई थी, क्योंकि उन्हें अमेरिका में भाई काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी हिंदी सिनेमा की, मगर अब मानो ऐसा लग रहा है कि भाई माधुरी का करियर भी खत्म सा हो गया है। भले ही माधुरी अब छोटे पर्दे के तमाम डांस रियलिटी शो में दिखाई देती हों, मगर फिल्मों में माधुरी का जादू फैंस आज भी मिस करते हैं। मगर बात वही है कि जब कोई डायरेक्टर उन्हें साइन करेगा तभी माधुरी बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी। तो देखा आपने हमारे इस बेहद ही खास रिपोर्ट में, जहां पर माधुरी दीक्षित को लेकर हम जो है जिक्र कर रहे हैं, भाई आखिरकार माधुरी दीक्षित जो है एक ऐसी हसीना है जिनकी खूब चर्चाएं होती हैं, जिनकी तारीफ हर एक शख्स करता है। अब ऐसे में उनकी खूबसूरती को लेकर बात करें तो डायरेक्टर, आपने हमारी रिपोर्ट के माध्यम से देखा कि उन्होंने कपड़े उतार के उन्हें शूट करने को कहा, जिसको उन्होंने ना कर दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ऐसी हम यही कहेंगे कि चीज़ें हैं जो अक्सर बाहर आती हैं तो वो हर एक चाहने वाले को भी हैरान करती है। हमने शुरुआत में ही कहा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी चमकती चीज़ है जिसको देखकर यकीनन यंगस्टर्स भी सोचते होंगे कि व्हाई नॉट वी ट्राई इट, भाई हमें भी एक्टिंग करनी चाहिए, मगर ये इतना आसान जोन नहीं है। खाली माधुरी ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम हसीनाएं सामने आई हैं जिन्होंने जो है बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स पे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स पे तमाम एलिगेशंस लगाए हैं। तो ऐसे में माधुरी ने भी जो है खुल के बात की और माधुरी ने इंटरव्यू के जरिए बताया कि आखिरकार क्या पूरा मामला था। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे, हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिरकार कैसा आपको लगा, आखिर क्या जो डायरेक्टर का कहना था वो सही था या गलत था, क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जानकारी दे दें कि भाई माधुरी ने डॉक्टर नैनी से शादी की हुई है, और जो है बताया जाता है कि माधुरी, देखा भी गया है खैर, कि जो है माधुरी दीक्षित जो है उनके 2 बेटे हैं, और जो है पहले तो माधुरी डॉक्टर नैनी के साथ जो है अमेरिका चली गई थी, मगर कहा जाता है कि उनको अपना देश जो है इंडिया बहुत याद आ रहा था, और ऐसे में वो अब वापस आ चुकी हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी किस्मत को आजमा रही हैं। खैर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, आप चैनल को कर दीजिएगा हमारे सब्सक्राइब। धन्यवाद।